हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल इलाहाबाद के चटोरे। सो आज हम लोग आए हैं, बट मैं ये नहीं बताऊंगा, बताएगी मेरी सिस्टर निशी। सो हेलो गाइस, मैं हूँ निशी और आज मैं आई हूँ यम्मी मोमोज में। और ठंडी का मौसम याद आते ही सबसे पहले हिल्स का याद आता है, और हिल्स का याद आते ही हमें सबसे पहले मोमोज की याद आती है। और आज हम ऐसी जगह आपको लेकर आए हैं जहाँ पर मोमोज की वेराइटीज है, टाइप्स ऑफ वेराइटी, कितनी वेराइटी कि आप मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे क्या ऑर्डर करें क्या ना करें। इतनी सारी वैरायटीज, मतलब मैं तो खुशी में भरे पागल हो जाऊँ। हमारा खाने को आपको पता क्या क्या मिल रहा है, हमारे पास यहाँ स्टार्टर्स है, मेन कोर्स है और डेजर्ट भी है। और इतना कुछ कि मोमोज लवर्स के लिए तो बहुत ही गुड न्यूज़ वाली बात है। और क्योंकि स्पेशली मैं एक मोमोज लवर हूँ, सो इसलिए मेरे लिए बेस्ट प्लेस है। लेट अस स्टार्ट अ मेन्यू, जो हमारा एक मेन्यू सबसे बड़ी चीज होती है, सो हम उसे देखते हैं। ओ माय गॉड, इतनी सारी डिशेस, स्टार्टर्स, मेन कोर्स और फाइनली हमारा डेजर्ट भी। यमी, मुझे तो मजा आ गया सोच सोच के, मुझे तो भूख लग रही है। वो भी मोमोज, इतने मोमोज। मेन्यू डिसाइड करना बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि यहाँ इतनी सारी स्पेशलिटीज़ हैं। और सो हमने तब भी अपना ऑर्डर रिप्लेस करा दिया है और हम आपको एक स्पेशली अपना डिज़र्ट दिखाएंगे, बट अभी नहीं, वो लास्ट में दिखाएंगे। और आपको इसके लिए हमारी पूरी वीडियो को देखना पड़ेगा और लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और अपने फ्रेंड से जाके बोलिएगा भी ज़रूर कि इलाहाबादी चटोरों को प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बहुत सारी लाइक्स दें और बहुत सारा प्यार दें। सो हमने जो ऑर्डर किया है वो हमारा फर्स्ट है प्लेटर और सेकेंड है सिज़लर और 2 कोल्ड ड्रिंक्स। सो अब वेटिंग फॉर माई ऑर्डर, 5 मिनट्स का वेट करके देख लेते हैं जल्दी से। हमारे ऑर्डर आ चुके हैं, हमारे ड्रिंक्स और हमारा स्टीम मोमोज आ गया है। सो प्लीज इसे प्लेट पे सर्व कर दीजिए, बहुत ही उसकी भूख लगी है। थैंक यू। टेस्ट करने जा रही हूँ और इसके साथ हम बहुत ही ज्यादा स्पाइसी होती है और लोगों को बहुत पसंद आता है। और एक ये हमारा मेयोनीज, मेयो मेयो। यार इसकी स्टफिंग इतनी ज़्यादा अच्छी है, इतने अच्छे से इन्होंने पूरा स्टफ करके रखा है इन्हें, मतलब सीरियसली इट्स टू गुड। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं इसे टेस्ट करूँगी। बहुत ज़्यादा टेस्टी है,
मोमोज चटनी के साथ ये ऑसम है, और मेयो जो हर चीज को लाजवाब बना देती है। सो मेरी तरफ से तो ये बहुत ही ज्यादा पसंद अच्छा है। आप लोग यहाँ आए तो जरूर ये स्टीम मोमोज ट्राई करें, मेरे एज ए स्टार्टर ये बहुत ज्यादा टेस्टी है। तो आप लोग यहाँ आए तो प्लीज इसको ट्राई करें, ये बहुत ज्यादा टेस्टी है। मुझे तो कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं फिर से खाने जा रही। और ये जो सॉफ्ट ड्रिंक है ये है ब्लू लेजान, और ये है हमारी वर्जन मोहितो। सो मैं मोमोज की बहन मोहितो, सो मैं ब्लू वाला ट्राई करने जा रही हूँ। इट्स टू गुड, बहुत अच्छी है, बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो जैसा कि इतनी देर से मैं सुन रहा था कि निशी काफी तारीफ कर रही थी वेज स्टीम मोमो की, तो मैं भी ट्राई करता हूँ। तो मतलब प्लेटिंग वाइज तो जो इनकी प्लेटिंग आई काफी बेटर लगी मेरे को, और इनके जो दोनों सॉफ्ट ड्रिंक्स है काफी बेटर है। वैसे मैं दो बार और आया था तो पहले पी चुका हूँ, तो इनका एक जो फ्रेंच किस मॉकटेल है वो भी काफी बेटर है, और ब्लू लोगान तो वैसे भी ऑलराउंडर होता ही है। तो स्टार्ट करते हैं और टेस्ट करके बताते हैं। बाकी जो स्टफिंग जो निशी बता रही थी काफी सही स्टफिंग है, मतलब प्योरली कुक्ड है और टॉस्ड है तो वेजीज से तो लोडेड है, तो काफी अच्छी चीज है। जो इनके स्पाइसी सॉसेस है वो भी, जिसको आप लोग मोमो सॉस बोलते हैं, वो तो भाई परफेक्टली मोमो सॉस है। और मेयो तो मोमो लवर्स के लिए एक वरदान है, तो काफी सही चीज है टेस्ट वाइज। और इनकी ओवरऑल रेटिंग भी काफी सही है कि 4.2 मैं देता हूँ 5 आउट ऑफ में से। और इनके पेज को भी आप फॉलो करिए, यमी टमी करके है, जो इनकी आने वाली अपकमिंग डील्स होती है वो भी आपको शो होगी। और अभी फिलहाल न्यू ईयर आने वाला है तो ये कुछ ऑफर्स भी लेके आ रहे हैं, वो अभी हम इनके ओनर से आपको इंटरेक्ट कराते तो वो खुद बताएंगे बाकी चीज़ें। बाकी के दो स्नैक्स हमारे और आने वाले तो उसको भी हम दिखाते हैं, और वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा ज़रूर। और जिन्होंने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, जो हमारी एक्टिविटीज़ होती है उसको आप देखिए, पता कर सकते हैं कि आप हम भी वहाँ मिल सकते हैं क्या पता हो। तो हम लोग का ये वेज स्मॉल प्लेटर आ गया है, और इसमें मतलब काफी अच्छे से इन्होंने प्लेटिंग की हुई है। दो मोमोज में तो मेरे को अच्छी खासी मेयोनीज है, तो उसके मतलब अलग ही अलग रोल्स होगा, प्लेटर है तो कॉमन सी बात है। और इसके साथ एक स्पेशल सॉस इन्होंने दिया है जो कि ग्रीन चटनी है, वो भी बेसिकली तंदूरी आइटम्स के साथ तो ग्रीन चटनी मस्त होती है, तो उनका एक नया फंडा है ये भी चीज है। तो अब इसको ट्राई करते हैं, बताते हैं इसका टेस्ट कैसा है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोमोज ही होंगे शायद, तो चेक करते हैं। तो इसकी स्टफिंग है वो थोड़ी सी डिफरेंस है, देन नेक्स्ट देखते हैं। सबको मैन्युअली बताता हूँ धीमे धीमे जो चीज़ें। इसकी भी स्टफिंग जितने भी हमें अभी तक ऑर्डर किए वो प्योर वेज है, और अब टेस्ट करके बताते हैं। सो जो बेसिकली तंदूरी आइटम्स होते हैं वो ग्रीन सॉस के साथ ही ज़्यादा बेटर लगते हैं। जो इसके हिडन स्पाइसेस वो अलग ही लेवल के हैं, तो वो चीज़ें काफ़ी अच्छे से मेल्ट कर दे रहे हैं टेस्ट को, तो काफ़ी अच्छा इन्हेंस हो जाता है टेस्ट, और पता नहीं चलता कि ऐसी चीज़ें हैं। बाकी वेज की एक चीज़ बताता हूँ, वैसे काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं मोमोज और डिमसम्स में भी, तो मोमोज और डिमसम्स जिसको नहीं पता वो कमेंट करके मेरे को बताए। बाकी जो मोमोज होता है वो थोड़ा थिक होता है, और जो डिमसम होता है वो थिन होता है, उसकी जो लेयरिंग होती है और ज्यादा ओवर कुक हो जाता है तो घेपा बन जाता है। तो ये है दो हमारे स्पेशल इटालियन मोमोज, सो मैं इसे ट्राई करूंगी। तंदूरी वाले भैया ने किया सो मैं इसे करूंगी, ऐसे भी मुझे इटालियन चीजें पसंद है। सो लेट ट्राई। ओह माय गॉड, इसकी स्टफिंग बहुत अच्छे से इन्होंने की है। सो पूरा डीप मेयो एंड कॉर्न्स, काफी कुछ है, मतलब बहुत कुछ है, चीज है, चीज है इसमें, तो चीज ही है। ओ ये तो बहुत ज्यादा ही टेस्टी लग रहा है। बहुत टेस्टी है, यमी, ऑसम, वर्ड्स कम है मेरे लिए। इटालियन मोमोज ऑसम।
इससे पहले ऐसे मोमोज ना मैंने सच्ची में नहीं खाए थे, ये मेरा फर्स्ट टाइम ट्राई है। ठीक ऑस्टन, वो भी इटालियन मोमोज, इतनी सारी वेजगीज है ना ऑस्टन, ये देख सकते हैं आप कॉर्न चीज मशरूम्स और ये छोटे छोटे से पनीर के टुकड़े हैं, सो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। बीन्स मुझे बहुत पसंद आया। अरोमा जो है इसका काफी अच्छा है, अभी से मुंह में पानी आ रहा है। अरोमा और नैनोल्स ग्रेवीज, सीरियसली इट्स टू ऑसम। मेनली सीजर्स में क्या क्या रहता है? अच्छा अच्छा, अच्छा सब किया जाता है हॉट गार्लिक सॉस से ऊपर से। रहा नहीं जा रहा, ये बहुत सॉफ्ट है। जैसे लोग कहते हैं कि मोमोज फ्राई कर दो हार्ड हो जाते हैं, तो ये एकदम हार्ड नहीं है, ये बहुत सॉफ्ट है। थोड़े से उठाने में क्रंचीज हो रहे हैं बट ये बहुत सॉफ्ट है, बहुत टेस्टी। तो काफ़ी देर से मैं देख रहा था निशी तारीफ कर रही है सिज़र्स की, तो मैं भी स्टार्ट करता हूँ सिज़र्स में। मतलब सिज़र्स काफ़ी सही है, एक तो लुक वाइज काफ़ी अच्छा लगा और जो इसका मतलब एक फ्लेवर आ रहा है काफ़ी सही है। जैसा भी इन्होंने बताया कि जिंजर गार्लिक का सॉस है, तो मोमोज काफ़ी फ्लफी है और टेस्ट वाइज देखने में तो काफ़ी अच्छा है। स्टफिंग मतलब पनीर है और वेजीज है, बीन्स है काफ़ी चीज़ें हैं वो, और जो इनके नूडल्स हैं वो काफ़ी स्मोकी फ्लेवर के साथ है। तो पहले तो नूडल्स पे ही देखते हैं, फिर सीज़र्स पे जाऊंगा। तो जो लुक वाइज सॉस है इसका काफ़ी बेटर है। मेनली जो सीज़र्स होते हैं वो स्मोकी होते हैं और वैसे इन्होंने मेंटेन करा है सॉस के साथ, तो काफ़ी सही है चीज़ें। तो सीज़र्स की बात हो रही थी, नूडल्स तो ट्राई कर ही लिया था, अब सीज़र्स पे आता हूँ। हल्का सा टैंगी सॉस है तो काफ़ी मज़ा आ रहा है, बाकी ये स्वीट एंड टैंगी सॉस काफ़ी मज़ा आ रहा है। बाकी आप इस सॉस को भी प्रोवाइड कर सकते हो, वो आपके टेस्ट वाइज है, क्योंकि काफ़ी लोगों के टेस्ट अलग अलग वे में होते हैं, तो उनको काफ़ी लोगों को तीखा नहीं पसंद है, बट ये टैंगी सॉस के साथ तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। और आप एक बार विजिट ज़रूर करिएगा। अभी हम प्रोमो कोड भी अपने रिवील करवाते हैं ओनर से। तो जो हमने आपको बोला था हमारा डेजर्ट एंड में आने वाला था, सो हमारा डेजर्ट आ चुका है। ये है हमारा स्पेशल डेजर्ट चोकोलावा केक, नहीं मोमोज, ये है हमारा चोकोलावा मोमोज विथ आइसक्रीम। सो आई विल ट्राई, ऑसम, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है चोकोलावा, और उसके ऊपर ये आइसक्रीम बहुत टेस्टी है। स्टफिंग, जो चॉकलेट निकल रही है मेरी तोड़ी में से, हमारी चॉकलेट बह रही है और वो इतनी अच्छी लग रही है, उफ मज़ा आ गई इसे खा के। तो मैं तो आप सब विजिट करें और अब कुछ खाए ना खाए बट डेजर्ट जरूर खाएं, ये बहुत टेस्टी है। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसा कि निशी ने बताया कि डेजर्ट काफ़ी अच्छा था, तो अब मैं भी ट्राई करके बताता हूँ कि डेजर्ट है कि नहीं है काफ़ी सही है। बट जो टेस्ट वाइज और जो इसके फ्लेवर्स मेल्ट हो रहे हैं काफ़ी अच्छे से, तो वो तो ऑलराउंड बेटर है। मेनली यहाँ पे तो नया है प्रयागराज में, और जिन्होंने इनके पेज को फॉलो नहीं किया है यमी टमी, उसको भी आप फॉलो कर लो। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे हम लोग फूड बेसिकली खाते रहते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि हमारे साथ जो हमारे फैमिली में इंगेज हो रहे हैं तो उनको भी हम अपनी तरफ से ऑफ दिलाते जैसे आ रहे हैं पिछले प्रीवियस फ्रेंड्स से, तो यहाँ पे भी हमने ऐसी कुछ बातें की है
यहाँ के ओनर से, तो जो हमारे थ्रू आ रहा है वो हमारे प्रोमो कोड पे अप्लाई कर रहा है, तो उनको यहाँ पे 10-15% का ऑफ अच्छे से मिल सकता है। अराउंड 300 अप्रॉक्स के ओवर के बिल होने चाहिए, तो 15% तक का भैया ऑफ कर देंगे। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा स्टार्टिंग से, और स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा, काफी मजा आने वाला है। और जैसे कोई और प्लेसेस है अगर हम नहीं पहुंच पाए तो आप हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी वीडियो, और मिलते हैं कभी नए नेक्स्ट फूड टूर पे, नई प्लेस पे। तो थैंक यू।